सवाई दरोगा राजू गेंजर एवं राकेश मेंच पर महिलाओं ने लगाया प्रताड़ित करने के आरोप। नौकरी से हटवाने की धमकी देता है दरोगा। शहर की एक दर्जन सफाई कर्मी महिलाएं आज कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंची, जहां उन्होंने सफाई दरोगा पर प्रताड़ना करने के आरोप लगाए हैं, साथ ही नौकरी से हटवाने की धमकी देने की आरोप लगाए हैं। सफाई दरोगा राजू गेंजर और राकेश मेंच द्वारा आए दिन मानसिक रूप से परेशान कर अभद्र व्यवहार किया जाता है। बीमार होने पर या किसी ठोस कारण अगर छुट्टी मांगी जाती है तो नहीं दी जाती है और अनुपस्थित होने पर कार्य पर नहीं लिया जाता। इस तरह के कई बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं ने बताया कि अभी हाल ही में मनीष घावे को भी प्रताड़ित किया गया था। इसके बाद वह अपने परिवार सहित माधव चौक चौराहे पर आत्महत्या के लिए पहुंचा था। महिलाओं ने मांग की है कि उन्हें अन्य वीट में स्थानांतरित किया जाए। आपका जमुना तो यहाँ क्यों आई है आप सब लोग? इसलिए आए सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों, क्या हो गया? मेट दरोगा हमसे गलत सलत बोलते हैं, कोई बीमार दुखी हो जाता है तो छुट्टी लेवे एसआई के जाओ या सीओ के जाओ, हमारे जेएनसी में कोई छुट्टी नहीं मिलती हमको। क्यों ऐसा ही है सर, नहीं देते? कौन से दरोगा ने आपसे क्या बोल दिया? राकेश गेंचड़, मेट और दरोगा राजू। क्या बात है, क्यों मतलब सभी एक साथ आएंगे? किसी एक को छुट्टी पड़ी होगी, सबको सबको छुट्टी की जरूरत पड़ती है तो सबको बीमार करते हैं सबके संग, तो केवल छुट्टियों पे ही भगा दिए। और किसी में और कुछ और कोई वेतन नहीं है सर, वेतन है घर का, सब काम पे नहीं जाते, 10 दिन को 15 दिन को भगा देते हैं। और ये मोड़ा भी मरज से बचा है, दुख का हाथ पर लेते हैं तो ड्यूटी पे ले लेते भगा देते हैं। क्या तो आप लोगों को एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती? नहीं मिलती, सिर्फ इतवार। पूरे सातों दिन काम करते हो? इतवार की मिलती है, संडे को बस। हाँ तो हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, और इसके अलावा और कोई छुट्टियां नहीं है? कहीं मरण मौत में भी नहीं जाने देते समाज में? जाते भी जाओ आप अपनी मर्जी से जाइए, हम गैर हाजिरी लगा देंगे ये बोलते हैं। अच्छा, एक भी छुट्टी इसके लिए संडे के अलावा कोई छुट्टी नहीं? ट्रांसफर हो गया, मैं ट्रांसफर नहीं होने दे रहा था, मानने की धमकी दी। इस चक्कर में चौराहे पे गया था बच्चों को लेके फांसी लगाने के लिए 6 तारीख को। क्यों मानने की धमकी दे रहा था? ट्रांसफर नहीं होने दे रहा मेरा, जो कहते हैं गड्ढा खाली करो साहब, वही पैसे कमा के दो। मैं साहब मैं नहीं करना चाहता, एक बच्चा खत्म हो गया मेरा था एक गड्ढे के चक्कर में, 10-20 हज़ार कब तक कमा के दूसरा? मुझे नहीं कमाना सर, मुझे कृपया नहीं कमाना, ना देना कमा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष गावरी। तो गड्ढा खाली करने का क्या मतलब? रोज के 5-6 गड्ढा करवाते हैं, रोज के 15-20 एक रसीद कटती है। अच्छा, एक रसीद पे 5-6 गड्ढे खाली करवाते हैं तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है बताओ साहब? सुबह के 6 बजे से ले जाते हैं, शाम के 8-10 बजे छोड़ते हैं वहाँ से। मैं तो गड्ढे में अभी भी तुम उतरते हो, मशीन जाती है ना? नहीं सर, वो रसीद कटोली वाला होता तो उतारते सर जी, उतर के होगा। इसलिए लड़के ने ट्रांसफर की बोला तो बोला। कब का ट्रांसफर हो गया आपका? मेरा साहब सिटी प्लाजा के साहब ने सिटी प्लाजा तो नहीं करेंगे। कितने लोग कर रहे हैं अभी भी, मतलब गड्ढे में उतर के सफाई करते हैं? अभी करते हैं सभी, जो उतरवाते हैं दादागिरी करवा के तो ड्यूटी पे नहीं लगे। अच्छा, अगर आप उतरने से मना करो तो मना करते हैं, जाओ घर पे जाओ। नौकरी से हटाने की धमकी देते? नौकरी से हटाने की धमकी देते, घर से बुला के ले यार, बोलो ना तुम गट्टे वाले। तुम भी देते हो? नहीं सर, मेरा लड़के की तबीयत खराब थी तो मुझे लिया ही नहीं, 8-15 दिन हो गया। क्यों नहीं लिया था? नहीं तो नौकरी है ना तुम्हारी, लेने को क्या मतलब? नहीं लेना, उनकी मर्जी। नहीं लेते आप? क्या नाम है आपका? बुखार चल रहा था सर। रिंकू बाल मतलब कैसे हटा देते हो? उस दिन की तनख्वाह नहीं देती? मतलब नहीं, 10-15 दिन काम पे नहीं लेते, 1 महीना कामों पे नहीं लेते तनख्वाह। कहते सीओ साहब से लिखवा के लाइए, और सीओ साहब से हम लिखवा के लाते तो 2-5-10 दिन बाद काम पे लेते हैं, तो 11 आई लगा देते पूरे महीना भर की, बच्चों को क्या खिलाए? वेतन नहीं मिलता? नहीं मिलता। वेतन कितनी मिलती है आप लोग? वेतन हमारे लिए कोई मिलती है ना, 10-10.5 हज़ार रुपये सबको एक सी। अभी आपने कलेक्टर साहब को शिकायत की तो क्या बात हुई? जी इधर से आया आपको बोलना है जी, कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? उनने कंप्लेंट दर्ज कर ली, उधर लिख दी जाए।